हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडियम। दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक और नई रेसिपी जो हम पनीर से बनाएंगे, क्रीमी पनीर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। सबसे पहले यहाँ मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ। अब मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल, दो बड़े चम्मच ये मैंने डाला है और इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब सबसे पहले हम डालेंगे एक तेज पत्ता, बड़ी इलायची और छोटी इलायची। अब इसके बाद मैं डालूंगी जीरा। अब इसके बाद यहाँ मैंने एक प्याज को पीस लिया है। अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे जब तक कि ये ब्राउन नहीं हो जाता है, तब तक इसे हम अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे। अब हम यहाँ पर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको मैंने दरदरा ही पीसा है, इसी तरीके से पीसेंगे और एक मिनट के लिए अच्छे से चलाएंगे। अब हम यहाँ पर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी नहीं डालेंगे इसमें क्योंकि हम क्रीमी पनीर बना रहे हैं तो उसमें हम हल्दी नहीं डालेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे टमाटर की प्यूरी। यहाँ मैंने 4 बड़े टमाटर, इनका पेस्ट बना लिया है। अब हम यहाँ पर 2 बड़े चम्मच सॉस ये मैं ऐड करूंगी। अब मैं यहाँ पर ऐड करूंगी क्रीम। और इसको हिलाते रहेंगे। अब हम इसके बाद इसमें डालेंगे पनीर। यहाँ मैं 250 ग्राम पनीर डाल रही हूँ और इसको एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप दूध और अब हम इसको चलाएंगे। ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी थिक खाते हैं तो 1/2 कप ही लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा लिक्विड चाहिए, ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप दूध की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम यहाँ पर डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। और इसको एक बॉईल आने तक हम तेज फ्लेम पर हिलाते रहेंगे। इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए ग्रेवी हमारी थिक है, हमें इतनी ही ग्रेवी चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग ग्रेवी को कर सकते हैं जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। अब हम इसमें डालेंगे ऊपर से कसूरी मेथी
और थोड़ा सा गरम मसाला और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा पनीर बनकर रेडी हो गया है, अब हम इसे गरम गरम सर्व करेंगे। ये देखिए, ये हमारा पनीर बनकर रेडी हो गया है। ये कितना टेस्टी बना है, कितना यमी है ये। आप इसे रोटी, नान, राइस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा गार्निश कर देंगे धनिया की पत्ती के साथ। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।